गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता के आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो आज की जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज है करवा चौथ। सबसे पहले मेरी तरफ से जो भी प्यारी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी लेडीज़ हैं उनको हैप्पी करवा चौथ, और बहुत ही आराम से ये व्रत उन लोग का सफल हो, क्योंकि बिना पानी के ये व्रत रहा जाता है, तो मेरा भी व्रत है। और सेकेंड थिंग ये कि आज किरण दी अच्छे से कम्प्लीटली सारा सामान उनके रूम में आ चुका है और वो शिफ्ट हो चुकी हैं, और आज है गृह प्रवेश की पूजा। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि आज 24th को उन्होंने गृह प्रवेश की पूजा रखी है। सो अभी डॉक्टर अभी आ गए कुछ सामान लाने, वो जैसे ही आएंगे हम लोग पंजीरी और हलवा बनाना स्टार्ट कर देंगे। अभी घड़ी में बज रहे हैं 8:30 और 9:30 तक पंडित जी आएंगे, तब तक सारी कंप्लीट जो है हम लोग रेडी कर देंगे। और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, कान्हा जी भी खाना खा लिए हैं। सो नेक्स्ट जो है वो है तैयारी करना। सो गाइस हमारे साथ बने रहिए, आपको आज बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलेंगी। सबसे बड़ी बात कि आज प्यार इसी घर में पूजा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। सो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस पूजा की हो गई है पूरी तैयारी, सारा कुछ बन चुका है, कंप्लीट हो गया है। तो चलती हूँ मैं दीदी के घर और आपको दिखाती हूँ वहाँ पे कितना सुंदर सा पंडित जी ने डेकोरेट किया हुआ है। सो मैं बता देती हूँ आपको पूजा में के लिए मैंने बनाया क्या क्या है। पंजीरी बनाया है, ये है चना अमृत बना लिया है, हलवा बना लिया है, सारे फ्रूट्स वगैरह सारा पहुँचा दिया गया है। सो अब मैं जा रही हूँ, और पैर में कलर भी लगा लिया है खुद भी, भैया और दीदी को भी लगा दिया है, क्योंकि पूजा में बैठने से पहले पैर खाली नहीं होना चाहिए। सो अब मैं जा रही हूँ दीदी के घर। थोड़ा सा एक दो दूध बच जाएगा तो ठीक है। पंडित जी फिर से बताइए, चने हाँ, दही हाँ, घी सेहत हाँ, गंगा जल हाँ, ये पांच तत्वों से पंचामृत तैयार होता है। अच्छा अच्छा, पंच तत्व से शरीर भी बना हुआ है हाँ, हाँ। और पंच तत्व से फ्रडलिया, और पंच तत्व से पंचामृत भी बनता है जी जी। तो मेवा और चीनी जो है शहद इतना डालना चाहिए कि हमारा पंचामृत मीठा हो जाए। चीनी डालने की आवश्यकता उसमें ना पड़ेगी, शहद इतने पर्याप्त नहीं है हाँ, इसीलिए चीनी डालते हैं हाँ, ठीक है। एक बूंद घी डालते हैं। लंबाई नापने के लिए क्या विधि है, लंबाई नापने की अपनी क्या विधि मालूम है? पैर से सिर तक नापने की जरूरत नहीं है, इस उंगली से इस उंगली तक सीधा करके नाप लीजिए, पैर से सिर तक नाप लीजिए, बराबर निकलेगा। ये चना मृत अपने हाथ की लंबाई से पूरा शरीर है, बीच उंगली से बीच उंगली से इधर नाप लीजिए, फिर से पैर तक नाप लीजिए, बराबर निकलेगा। इसलिए रक्षा सूत्र जो बांधते हैं हम लोग वो नाप करके ही बांधते हैं, इस शरीर की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और बाकी उसमें पंडित जी मैंने वो तुलसी जी का पत्ता डाल दिया है, और अंजीरी में मैंने वो तुलसी जी का पत्ता डाल दिया, हलवे में डाल दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। भैया एक मिनट उठाना तो उसको, पंजीरी को बस, और इसको हलवा। सो गाइस ये है मेरा पूरा लुक। मैं आपको अपनी हेयर स्टाइल दिखाती हूँ। सो
गाइस मैं कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तो मैं जा रही हूँ पूजा करने और